ये गाड़ी है। फाइनली मैं अपनी बिगेस्ट गाड़ी रिवील करने वाली हूँ। 3, 2 और स्कॉर्पियो 2.0 जल्दी आएगा। प्रोजेक्ट है ये, कल से ही स्टार्ट होने वाला है, सेलिब्रेशन तो करना ही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपनी गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रही हूँ। कोई क्लिकबेट नहीं है, मेरी ही गाड़ी है। मतलब आज तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ खरीदी है उनमें सबसे बड़ी गाड़ी की डिलीवरी आज हम लेने वाले हैं। मतलब मैंने लास्ट स्कॉर्पियन परचेज की थी, उससे भी बड़ी गाड़ी है और ये होने वाली है मेरी प्रोजेक्ट कार। और ये जो प्रोजेक्ट है आपको अगली ही वीडियो से दिखना चालू हो जाएगा, तो कौन सी गाड़ी है वो तो आपको दिखाऊंगी। और ये जो गाड़ी है ना, इसके बारे में मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी इस गाड़ी को काफ़ी टाइम से। फाइनली मेरी रिसर्च पूरी हो गई है, तो अब वो गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, वो सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग आके बैठ गए हैं गाड़ी में और अब गाड़ी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं। साथ में ध्रुव भैया भी है और इस बार ध्रुव भैया की गाड़ी की डिलीवरी लेने नहीं जा रहे हैं, इस बार हमारी ही गाड़ी है। तो कौन सी गाड़ी है कुछ ही मिनटों में भी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग ध्रुव भैया की वर्कशॉप पे आ गए हैं और ये रही अपनी गाड़ी जो डिलीवरी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। यार मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी क्लिकबेट नहीं करेंगे, तो ये तो अपनी है ही। अब जो गाड़ी हम लेने वाले हैं, परचेस करने वाले हैं, वो ये गाड़ी है। तो ये गाड़ी रिवील करने से पहले आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ये जो अपनी फॉर्च्यूनर मैंने आपके साथ में शेयर की थी कि इसके साथ हम प्रोजेक्ट कुछ बनाने वाले हैं, तो इससे ना हम इस गाड़ी पे अपग्रेड करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि ये वाली जो गाड़ी है काफ़ी पुरानी और दिल्ली में आपको पता है 10 साल वाला रूल है, तो हम इसको यहाँ पर चला नहीं पाएंगे। जब इवन हमने स्कॉर्पियो वाला प्रोजेक्ट शेयर किया था तो इतने मन से इतने चाव से उसको बनवाया था, लेकिन क्योंकि मेजर टाइम हम दिल्ली से कर रहे हैं तो उसको चला नहीं पा रहे, वो ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है। तो इस बार ये चीज़ नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि फॉर्च्यूनर बना रही हूं भाई, उसको चलाना तो चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार साइड पे रखते हैं और कुछ अच्छा ढूंढते हैं जो हम दिल्ली में चला सके। तो फाइनली हमने अपग्रेड किया इस पे। अब आप सोच रहे हो कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी भी है और ऐसी कौन सी गाड़ी है जो मैं दिल्ली में चला भी पाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और मैं प्रोजेक्ट भी कैरी ऑन कर सकती हूँ। तो अब मैं आपको और वेट नहीं कराऊंगी, फाइनली आपको रिवील कर देती हूँ कि कौन सी गाड़ी है। तो फाइनली अब मैं अपनी बिगेस्ट कार रिवील करने जा रही हूँ। 3, 2 और 1। तो अब ना एक बार इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये 2015 मॉडल फॉर्च्यूनर है, ये टाइप 2 है, वो टाइप 1 थी। और रही बात नंबर की, तो इसका भी फैंसी नंबर है, उसका तो था ही, मैंने नंबर उसका भी आपके साथ शेयर किया था, इसका भी शेयर कर दूंगी। तो नंबर छुपाने वाला काम अपने नहीं करते हैं, वो तो मैं वैसे भी शेयर करती हूँ आपके साथ में। अब ये लेने का सीन ये था भाई, जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली में मैं चलाना चाह रही थी गाड़ी की, अगर इतना टाइम लगा के हम लोग टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो भाई एटलीस्ट हम चला पाएँ, फील तो ले पाएँ गाड़ी की, वो भी फॉर्च्यूनर की। तो ये मेरे लिए बेस्ट था क्योंकि इस गाड़ी को मैं ऑलरेडी 2 से 3 हज़ार किलोमीटर पहले भी चला चुकी हूँ, क्योंकि ये ध्रुव भैया के पास में थी। अब रही बात दोनों फॉर्च्यूनर्स के बीच में डिफरेंस की, तो ये टाइप 1 है, वो टाइप 2 है। ये 4x4 है, एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हो यार, इसका इंटीरियर भी ना मैंने बड़े प्यार से बनाया था, एकदम फ्रेश ही पड़ा हुआ है, गंदा हो रखा है वो अलग चीज़ है। और बाकी रही उसकी बात, तो ये 4x2 है। अब आप सोच रहे हो कि 4x4 से 4x2 पे शिफ्ट करने का क्या रीज़न है? भाई ये रीज़न है कि इसकी माइलेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लिटरली अगर आप इसको 80 तक चलाओगे तो ये 20 की माइलेज निकाल के देती है। कुछ लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, पर आप आ जाना, गाड़ी में बैठ जाना और 80 तक चलाना। अगर 80 तक 20 की माइलेज निकाल के दी तो फ्यूल आपका, अगर नहीं निकाली तो फ्यूल मेरा, जितना मर्जी फूंक लेना। अब आप सोच रहे होगे कि फॉर्च्यूनर है भाई, ये 80 तक थोड़ी चलाई जाती है। अगर आप इसको 100 तक की स्पीड पे भी चलाओगे ना तो भी ये आराम से 18 की माइलेज निकाल के देती है। तो एक ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़, ये 2010 मॉडल थी और ये 2015 मॉडल है, तो रहा जो वैलिडिटी वाला चक्कर है ना दिल्ली में, उसमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वैलिड है ये, तो मैं इसको आराम से दिल्ली में चला सकती हूँ। वेयर एज इसमें ये अभी इसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो इसको नहीं चला पाएंगे। इसीलिए ये 2 मेन रीजन थे जिसके कारण मैं इस पर शिफ्ट कर चुकी हूँ। बाकी एक बार ना इसका कंप्लीट वॉक अराउंड भी आपको दे देती हूँ। देख सकते हो यार, गाड़ी ना एकदम फ्रेश सी कंडीशन में पड़ी हुई है और उसके ऊपर से इसमें एसेसरीज भी है। वैसे जो कुछ भी मुझे कराना है उसमें एसेसरीज का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं आने वाली, और ना ये टाइप 1 और टाइप 2 से कोई फर्क पड़ रहा था। जो काम मुझे करना है उसके लिए टाइप 1 भी चल जाती, टाइप 2 भी चल जाती, बट मेरे अपने रीजन थे इसलिए मैंने इसको चूज कर लिया। इवन अगर आप साइड पे भी देखोगे तो इसके टायर्स भी नए से ही पड़े हैं और साइड से देख सकते हो और फ्रेश सी पड़ी है, कहीं से पेंट जिप नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। और ये जो फॉर्च्यूनर है ना, ये 2015 में लास्ट में जो ब्लैक अलॉयज वाला चेंज आया था ना वो वाली है, इसके बाद तो पूरी चेंज हो गई थी फॉर्च्यूनर, तो ये लास्ट अपडेट था 2015 वाली फॉर्च्यूनर में। अगर आप इसको रियर से देखोगे ना तो रियर से भी एकदम फ्रेश सी पड़ी हुई है। नंबर जो है इसका वो रियर से भी उतार रखा है। इसका फैंसी नंबर है वो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, शेयर ना करने वाला कोई सीन नहीं है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके जो चारों शीशे है ना वो भी सारे साथ के, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, एकदम नई सी ही पड़ी है। हालांकि चली ज्यादा हुई है बट यार फॉर्च्यूनर जो है वो तो बनी बिल्कुल ज्यादा चलाने के लिए। अब रही बात की ये चली कितनी हुई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,68,893 किलोमीटर्स ड्रिवन है ये कंपनी रिकॉर्ड के साथ में ड्रिवन है। और ना फॉर्च्यूनर के लिए इतने किलोमीटर्स कोई मायने नहीं रखते, 10-10 लाख किलोमीटर चली हुई फॉर्च्यूनर भी ऐसे मक्खन चलती है ना कि पता ही नहीं चलता कि इतनी चली हुई है। इवन जब मैं इसको कंसिडर करने वाली थी तो मैंने और भी 2-3 फॉर्च्यूनर देखी थी, 2-3 साल पुरानी फॉर्च्यूनर भी मैंने देखी थी, वो भी 1.5 लाख किलोमीटर के करीब चली हुई थी। तो वो मीटर टेम्पर वाला कोई गेम फॉर्च्यूनर के केस में नहीं होता, जो बंदा भी फॉर्च्यूनर परचेज करता है ना उसको बहुत चलाता है। अब इसके इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती है, इसके अलावा डैशबोर्ड बिल्कुल साफ पड़ा हुआ है, स्टीरियो भी लगवाया हुआ है, सीट्स भी कंपनी वाली ही है, ये तो हालांकि चेंज होनी है थोड़े बहुत, ये टाइम के साथ में वियर एंड टियर हो जाता है, बाकी सही पड़ी है ये भी देखने में। और इसी के साथ इसमें ऑटोमेटिक एसी भी आ जाता है, टाइप 1 है यहाँ पे। टाइप 1 और टाइप 2 के ना आपको इंटीरियर में थोड़ा सा फर्क दिखा देती हूँ। जैसे इसका डैशबोर्ड आप देखोगे तो एक कुछ ग्रे ब्राउन सा कलर है, वेयर एज उसमें ना आपको ब्लैक कलर मिलता है, देखने में काफी फ्रेश फ्रेश सा लगता है। और इसके अलावा अगर आप इसका स्टेयरिंग देखोगे तो दोनों के स्टेयरिंग में भी डिफरेंस है, वो थोड़ा सा अपडेटेड लगता है, वो थोड़ा ओल्ड फील देता है। एक बार ना स्टार्ट करके आपको इसके इंजन की आवाज भी सुना देती हूँ, कितना प्यारा रोर है इसका। ये जो गाड़ी है ना बहुत ज्यादा मेंटेन्ड है, इसका जो इंजन है काफी साइलेंट साइलेंट सा है। बाकी हर एक फॉर्च्यूनर में ना एक रॉर होता है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो इसमें भी है। अभी मैं कंडीशन की बात कर रही थी ना, यहाँ पे अगर आप इसका स्पेयर व्हील देखोगे ना तो वो भी एकदम अनयूज्ड ही पड़ा है। तो अभी ये जो फॉर्च्यूनर मैंने परचेज की है इसका आपको बता देती हूँ मैंने कैसे परचेज किया और कितने की खरीदी है। तो वो वाली जो फॉर्च्यूनर है वो टाइप 1 थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये मैंने दे दी है ध्रुव भैया को, और जो ये ध्रुव भैया वाली है मैंने ले लिया, और जो बैलेंस अमाउंट है वो मैंने पे कर दिया, वो कितना पे किया है वो भी आपको बता दूंगी। एक चीज मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो फॉर्च्यूनर वाला प्रोजेक्ट है ये कल से ही स्टार्ट होने वाला है, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कल से फाइनली ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये हम ध्रुव भैया के साथ में नहीं कर रहे हैं, किसी और के साथ में कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं उससे भी आपको मिलवा दूंगी। पर फिलहाल के लिए ये चीज बतानी जरूरी है कि हम दोनों ये वाला प्रोजेक्ट साथ में नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, हम दोनों की कोई लड़ाई नहीं है, हम अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारे और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे। बट बात इतनी सी है कि यार देखो हर एक बंदा ना एक स्पेसिफिक चीज में स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे ध्रुव भैया स्कॉर्पियो में है, तो अभी उन्होंने फॉर्च्यूनर का काम स्टार्ट नहीं किया था, वो अपने काम में वैसे ही बहुत पजल रहते तो वो शायद नहीं कर पा रहे थे, नहीं करना चाह रहे थे। बाकी आप खुद ही बता दो कि आपने क्यों नहीं किया, हमारी कोई दुश्मनी तो इस वजह से नहीं करा क्योंकि स्कॉर्पियो के अंदर ही आपने देख लिया कितनी दिक्कतें आई, 3-4 लेवल में दिक्कतें आई हैं। हाँ, और फिर पहले 10 साल वाला चक्कर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फॉर्च्यूनर में भी यही दिक्कत आ गई, तो अब ये प्रोजेक्ट इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। और वही है कि टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी डिफिकल्टीज आई हैं, तो उसके साथ डील करने के लिए ना अभी मैं सोच रहा हूँ कि स्पेसिफिकली अगर स्कॉर्पियो पे ही रहूँ अभी कुछ टाइम के लिए तो ज्यादा बेटर है, बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे अपग्रेड करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो गई थी, आपने देखा था 30-35 स्कॉर्पियो खड़ी थी, तो वो भी खत्म करते करते 3-4-5 महीने लग गए। तो वो सारी चीजें करनी, फिर उसके बाद मैनेजिंग हो गई, और फिर कस्टमर परेशान होने, और फिर बहुत सारी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर ये काम तरीके से जहाँ पे हो रहा है, मतलब जो पहले हाथ लगा चुका है, मैंने स्कॉर्पियो पहले बहुत सारी कर ली, फिर आपकी स्कॉर्पियो पकड़ी थी उसके बाद करी थी, तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज दे पाया था। ऐसे ही मैं चाह रहा था कि स्कॉर्पियो मतलब फॉर्च्यूनर में ना पहला हाथ लगाऊं तो मैं चाह नहीं रहा था कि आपकी गाड़ी में लगाऊं और फिर उसमें दिक्कतें आए तो मेरे सामने आए, तो मतलब मेरी खुद की गाड़ी पे आए तो समझ में भी आता है, आपकी गाड़ी पे आ गई ना तो मेरे को क्योंकि सीरीज बनेगी तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैं वो चाह नहीं रहा था, और माइंड सेट करके तरीके से करूं और पहले कुछ कर लूं एक्सपेरिमेंट खुद अपनी गाड़ी पे तो समझ में भी आता है, आपकी गाड़ी पे मैं एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाह रहा था क्योंकि आपकी वैसे इतनी मुश्किल से मनी कलेक्ट होती है, फिर हर एक चीज़ एक लड़की के लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो फिर बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना और फिर थोड़ा पॉजिटिवली लेना हर एक चीज़ को, तो इसीलिए मैंने इसको होल्ड पे ही डाला हुआ था तब से। और अब देखो 10 साल वाले चक्कर में आपकी गाड़ी खड़ी होगी, तो अब तो खैर मेरी होगी वो। यार प्रॉब्लम्स की बात ये कर ही रहे हैं तो एक चीज़ मैं छोटा सा एड्रेस करना चाहती हूँ, वैसे मैं कॉन्ट्रोवर्सीज में पढ़ती नहीं हूँ बट क्योंकि मेरे चैनल पे कमेंट आया था तो मैंने सोचा मेरा जवाब देना थोड़ा सा बनता है। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है जेन्युइन में इसको, आपको पता होगा कि ध्रुव भैया के ऊपर एक बंदे ने रोस्ट बनाया था। यार देखो कंपनीज जो गाड़ियाँ बनाती है ना उस पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, इवन हमारी गाड़ी में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, बट समझदारी किस में है कि आप उसको अच्छे से डील करो, आप बंदे के पास आओ, दोनों मतलब डिस्कस करो और सब कुछ सॉर्ट आउट कर दे। ऐसा रोस्ट वोस्ट करके वीडियोस बना के ये सब करने में पर्सनली मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बाकी जिसको जैसे अच्छा लगे। और तो, एक और चीज़ मैं बात रोकूंगा, बात क्या है कि अगर हम काम कर रहे हैं ना तो दिक्कतें कंपनी में आ जाती हैं, वही तो मैंने बोला अभी। तो अगर हम काम कर रहे हैं तो एक आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने आपकी वीडियो में बताया कि 1 साल की हम गारंटी वारंटी दे रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे। एक वो गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो मेरे पास आई है, आज 1 साल बाद वापस आई है, उसमें थोड़ा सा मतलब टचिंग
टचिंग वगैरह होनी है, थोड़ी सी कुछ और काम होने हैं, मैकेनिकल काम होने हैं, कुछ विश्वास भी आई है इतने टाइम बाद हो जाने के बाद वापसी आई है। हालांकि मैंने इसकी भी वीडियो नहीं डाली अभी तक, ऐसी बहुत सारी गाड़ियां जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाली, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो लोग मेरे से ऑफेंड हो गए होंगे। लोग काम करवाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस लेते हैं हम, दे रहे हैं एक साल की वारंटी तो लोग करवाते हैं। हमसे जो यहाँ नहीं हो पाती हम उनके वहाँ जाकर करा देते हैं, नहीं तो हम यहाँ से सामान भेज देते हैं। तो ये तरीका होता है काम करने का। तो अभी मैं स्कॉर्पियो वाले प्रोजेक्ट्स में ना, तो मैं इन चीज़ों से डील कर रहा हूँ, इसलिए भी मैं एक वजह थी कि फॉर्च्यूनर में आगे नहीं बढ़ रहा था। तो यही है कि पॉजिटिवली लेना लोग ना बड़ी मुश्किल से सीख पाते हैं। वैसे तो ये गाड़ी की डिलीवरी की वीडियो में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया, बट आपके साथ में ना थोड़ी सी क्लैरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यार मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैंने आपके साथ ना कभी किसी चीज़ को लेकर झूठ नहीं बोला। अगर मैंने ये गाड़ी खरीदी है तो मैंने आपके साथ में शेयर किया, किसी और की गाड़ी परचेज करके ये नहीं बोला कि ये मेरी गाड़ी है। चाहे ये गाड़ी हो, ये भी मैंने परचेज की है, मैंने खुद से पैसे दिए हैं। और इवन रही बात स्कॉर्पियो क्लासिक की, जो बहुत ज़्यादा प्यार दिया जिस पे आपने, वो देखो वहां पे खड़ी हुई है, वो भी मेरी ही गाड़ी है। देखो यार, अगर मान लो किसी और की गाड़ी होती भी ना, तो इतने टाइम कोई नहीं छोड़ता अपनी गाड़ी, मेरी ही गाड़ी है ये। और स्कॉर्पियो की बात रही तो ये मत सोचना कि वो स्कॉर्पियो वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। स्कॉर्पियो 2.0 जल्दी आएगा, एक अच्छा सा कुछ अपग्रेड लेके आने वाले हैं। अभी आपके साथ सॉबर सी मॉडिफिकेशन शेयर की थी, अब कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं जो आपको फॉर्च्यूनर के बाद में दिख जाएगा। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि यार अपने बीच में ट्रस्ट बना रहना चाहिए। मैंने आज तक आपके साथ में सच ही शेयर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ट्रस्ट बना रहे, क्लैरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यार एक चीज है, ये वाली कार परचेज करने में ना एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मुझे इसके कंपैरिजन में मिल रहा है, वो है इसका कलर। क्योंकि जिस चीज में कन्वर्ट होने वाली है ना, उसमें वो जो कलर आता है वो व्हाइट कलर आता है, वो सबसे ज्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ पे ये प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि इसमें आरसी में भी यही कलर होने वाला है व्हाइट, तो बेनिफिशियल हो जाएगा मेरे लिए। यार वैसे तो मैं आज मेरी गाड़ी की डिलीवरी लेने आई थी, बट यहाँ पे ना दो गाड़ियों की डिलीवरी हो गई है, क्योंकि ये वाली गाड़ी अब ध्रुव भैया पास चली गई है। तो ये गाड़ी इनके चैनल पे दिखने वाली है, इस पे आप कुछ मॉडिफिकेशन करवाने वाले हो। बढ़िया, राइट? बहुत बढ़िया। चलो वो भी आप लोग देख लेना। बाकी रही बात कि इसको एक्सचेंज करके मैंने जब ये परचेज किए, तो एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने बट ऑब्वियस है पे किए, वो कितना पे किए वो आपको बताऊंगी। इसी के साथ साथ मैंने आपको इसका नंबर रिवील नहीं किया, फैंसी नंबर है वो भी दिखाऊंगी, और ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन करने वाला है उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। और जो मेन बात है कि मैंने आज तक अपने किसी वीडियो में नहीं बताया कि ये वाली जो फॉर्च्यूनर है, मतलब जो फॉर्च्यूनर वाला प्रोजेक्ट है, वो किस में कन्वर्ट होने वाली है। जो भी बनेगी बहुत तगड़ी बनेगी, तो अगली वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कन्वर्जन किस चीज में होने वाली है। तो वो वीडियो ना जरूर से देख लेना। तो ये देखो भाई, अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ पे खड़ी है, फॉर्च्यूनर के साथ में स्कॉर्पियन खड़ी हुई है, अपनी नहीं है किसी और की, अपने पास तो ब्लैक है। यार देख लो, अगर आप देखोगे ना, फॉर्च्यूनर इससे लंबी ज्यादा है, लेकिन स्कॉर्पियन इससे ऊंची है। बाकी अगर बोल्डनेस की बात करें तो दोनों ही अपनी जगह बहुत बोल्ड है, बट एक चीज़ है कि फॉर्च्यूनर का जो रोब है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। फाइनली नई गाड़ी तो हमने ले ली है, कल हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आज चलते हैं और सेलिब्रेशन तो करना ही है। कुछ डॉग्स और कुछ फैमिलीज के साथ में मैं अपनी खुशियां शेयर करके घर वापस आ गई हूँ। ये मैं कोई शो ऑफ वगैरह नहीं कर रही, वैसे ही मुझे अच्छा लगा ये सब करके, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों के घर में भी कोई खुशी आती है, कोई नई चीज़ लाते हो, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना डॉग्स के साथ या किसी फैमिली के साथ जिनको नीड है उनके साथ आप लोग सेलिब्रेट करो, आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और बाकी मेन बात पे आते हैं, जो गाड़ी है एक्चुअली उसका नंबर क्या है, और मैंने आपको कहा था कि मैंने बहुत ही सही डील में गाड़ी खरीदी है, तो किस प्राइस में मैंने गाड़ी खरीदी है ये सुन के तो ना आपका दिमाग हिल जाएगा, बहुत ज्यादा सही प्राइस में मैंने खरीदी है। और लास्टली मैं किससे काम करवाने वाली हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है वो होने क्या वाला है, मतलब गाड़ी किस चीज में कन्वर्ट होने वाली है, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना, और हाँ ये सीरीज को ना बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय।